मैं खुशी रूप आपका स्वागत करती हूँ हेजो न्यूज में। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने 40 साल हो गए अपने बाल नहीं कटवाए हैं। उसको अभी लोग कहने लग गए हैं जटाधारी महात्मा। तो चलिए जानते हैं ये कौन है जटाधारी महात्मा और एक्चुअली में इसने क्यों नहीं 40 साल से बाल कटवाए। सब चीजों के बारे में मैं आज की न्यूज में आपको बताने जा रही हूँ, मेरे साथ बने रहिए। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर चाहिए। तो शुरू करती हैं आज की न्यूज। बिहार के मुंगोर जिले से हमारे सामने ये मामला आ रहा है जहां पर एक शख्स ने 40 साल से अपने बाल नहीं कटवाए हैं। बाल तो क्या, उसने 40 साल से अपने बाल धोए तक नहीं है, कोम तक नहीं किया है और उसी के साथ अब भी उसके बाल लगभग 6 फुट तक के हो चुके हैं और उनको जटाधारी महात्मा भी बोला जाता है। और उनकी एक अलग सी कहानी है इसके पीछे, उनकी कहानी एक सपने के पीछे है। हम आपको बता दें कि ये एक्चुअली वन विभाग में काफी देर तक काम करते रहे हैं और इनके घर में पूरी ज्वाइंट फैमिली है, इनके पोते पोतियां भी इनके घर पे है। और अभी इनकी पत्नी से जब बात की गई तब इनकी पत्नी से जब पूछा गया कि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि उनके पति ये सब जटाधारी रखते हैं, जटाएं रखते हैं, तब उन्होंने बोला कि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उनके साथ अभी सरकार से एक सवाल पूछा गया कि इसके पीछे राज क्या है, तब उन्होंने बताया कि उनके पीछे एक सपना है। वो सपना ये है कि एक बार उनके सपने में भगवान जी आए थे और भगवान जी ने ये चीज बोली थी कि तुम अपने बाल कभी मत कटवाना और उसके साथ जो दारू है और सिगरेट है इस चीज को, धुआंपान को, सब चीजें छोड़ दो। तो उसके बाद क्या था, बस उन्होंने वैसा ही किया और उसके बाद उन्होंने ना तो बाल कटवाए और ना तो धोए और ना तो उन्होंने कभी कभी शराब पी और ना तो कभी धुआंपान किया। और उसी के साथ अभी वहां पर काफी ज्यादा उनको माना जाता है और वो अभी वन विभाग में वो काम कर चुके हैं और उसी के साथ वो अभी दवाइयां बनाने का काम कर हैं, आयुर्वेदिक दवाइयां बनाते हैं जिनको लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और उनकी दवाइयों के भी काफी ज्यादा मानता है। अगर आप भी इन बाबा के बारे में जानते हैं या आप वहां से ये न्यूज देख रही हैं और आपको पता है कि वो काफी ज्यादा चमत्कारी भी माने जाते हैं और उसके साथ उनकी दवाइयां काफी ज्यादा चमत्कारी मानी जाती है, उनका हाथ काफी ज्यादा चमत्कारी माना जाता है, तो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपको भी लगता है कि सपने एक्चुअली सच होते हैं, भगवान आते हैं सपने में, सच में कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो जरूर बताइए कमेंट करके और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर चाहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एच डी न्यूज।